In my last video, you saw me making a corn bhel. If you haven't, you want me to tell you, right? Click on the link below. In this video, I'm doing a quick variation on the same recipe. Here I'm doing a pizza in a pan, not in an oven. Here we go. My name is Chef Varun Inamdar and welcome to Foodgasm. For the corn pizza, you're going to require a pizza base, some mozzarella, corn for sure, onions, tomatoes, capsicum, and for the sauce, you're going to require tomato puree, salt, sugar, Italian herbs, pepper, and some green chilies. Pan pizza ke liye sabse pehle banan lete hai chatpata sa sauce. Iske liye hum lenge tomato puree. Isme hum dalenge thode Italian herbs, little sugar, some salt, pepper, and chopped chilies. वैसे आप इसमें चिली फ्लेक्स एक्स्ट्रा डाल सकते हैं और जो चॉप चिलीज है वो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। अच्छा, वैसे आप चाहे तो इसमें आप चिली सॉस मिक्स करो या इसमें आप टमेटो केचप मिक्स करें तो एक चटपटा सा सॉस आपको रेडी मिल जाएगा। ये हमारा पिज्ज़ा बेस का सॉस हो गया है रेडी। हमारा जो अगला स्टेप है वो है पिज्ज़ा बेस को हल्का सा गर्म करना। व्हाट आई एम गोना डू इज एक नाइफ से आई एम गोना अप्लाई सम बटर ऑन द पिज्ज़ा बेस। अब ये बटर उस तरफ जाएगा जिस तरफ हम एक्चुअली टॉपिंग करने वाले हैं। तो ये हमने लगा दिया है बटर हल्का सा एंड दिस इज गोना गो बटर साइड डाउन इन द पैन। इसको हम हल्का सा सुनहरा कर देंगे ऑन वन साइड। वंस दैट इज डन ये आएगा इस बोर्ड पर, उस पर जाएंगी टॉपिंग्स एंड द पिज्जा इज रेडी देयर। क्विकली चेक कर लेते हैं ये ब्रेड हमारा कैसा हुआ है। अच्छा सा गोल्डन हो चुका है ये। इसको ले लेते हैं अब एक बोर्ड पर एंड द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डू इज अप्लाई द सॉस दैट वी मेड। सॉस जाएगा अब इस पर। इसको अच्छे से कर लेते हैं स्मियर। अच्छा, पिज्जा सॉस लगाते समय बस आपको एक चीज देखनी है कि साइड्स आप थोड़ी सी छोड़ दें। सो वंस दैट्स डन गोज इन द अनियन। अच्छा, वैसे आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने इसमें कोई भी वेजिटेबल स्लाइस नहीं लिया हुआ है क्योंकि घर पे अक्सर हमें थोड़ा होम स्टाइल इंडियनाइज्ड करना पसंद है तो उस हिसाब से आई एम टेकिंग इट चॉप्ड। अगला चला जाएगा चॉप्ड टमेटोस, चॉप्ड कैप्सिकम्स। वैसे आप इसमें रंग बिरंगी ले सकते हैं, येलो ले ले, रेड ले ले, ग्रीन ले ले। आप इसे चॉप कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। अब ले लेंगे कुछ कॉर्न। मैंने वैसे ये स्टीम्ड कॉर्न लिए हुए हैं। यू कैन टेक रोस्टेड कॉर्न, यू कैन टेक बेक्ड कॉर्न। इस पर हल्का सा सॉल्ट, थोड़े से और इटालियन हर्ब्स, तीखा करने के लिए चॉप चिलीज, और फाइनली हम इस पे डालेंगे मोजरेला चीज। अब मोजरेला चीज इज अ वेरी टिपिकल इटालियन चीज जो स्ट्रिंजी बाय नेचर होती है तो ये चीज लेने से उसमें धागे से आते पिज्जा में खाते समय, तो ये चीज जरूर ले। वैसे ये नहीं है तो यू कैन टेक योर प्रोसेस चीज। बस इतना है कि आपका ईटिंग एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, बाकी टेस्ट तो वैसे ही रहेगा। अगर आप देखें तो मैंने इसे ग्रेट भी नहीं किया हुआ है, मैंने इसे बारीक सा डाइस कर दिया है क्योंकि घर में अक्सर ग्रेटर हो ना हो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक डाइस चीज एंड देयर वी गो। अब क्या करेंगे, झटपट से पैन ऑन कर देंगे, हल्का सा बटर डाल देंगे। वंस द बटर गोज इन, और जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होता है हम इसमें रख देंगे बड़ी प्यार से हमारा ये पिज्जा। सो कर देंगे ऑन और रख देंगे एक ढक्कन। Another 3 minutes and your pizza will be ready. Smashing, tasty, and you can enjoy this monsoon. Let's wait for this. Let's quickly check our pizza. It's smelling divine. Super. It's almost done. Let's pick it. Place it here. Now it's cutting time. Just cutting the pizza here. And quickly pick one. Spicy, chatpata, absolutely mazedar. This variation is surely going to get you kicking in the kitchen. Let's head to our next variation. After the delicious pan pizza, I'm showing you another variation. Again, a very quick one with corn, same ingredients, but this time a salad. सबसे पहले बनाने लेंगे उसका ड्रेसिंग। लेट्स टेक सम ऑलिव ऑयल। दिस इज समवेयर अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल। इसमें मैं डाल दूंगा करीब 2 टीस्पून्स लेमन जूस। इसके बाद थोड़ा सा नमक।
I'm going to add in some chili powder और थोड़ा सा डालेंगे इसमें क्यूमिन पाउडर. इसको कर लेंगे क्विकली मिक्स. वैसे आप अगर चाहे तो इसमें आप मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं. वैसे आप यही सेम सैलेड मेयोनेज बेस्ड भी बना सकते हैं, बट आई एम मेकिंग इट लाइट एंड आई एम कीपिंग इट नाइस एंड टैंगी. ये बन गया है हमारा ड्रेसिंग तैयार. इसे आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, इसे आप वैसे एक बॉटल में भी बना सकते हैं. सारे इंग्रेडिएंट्स आप एक जार में ले लीजिए और इसे विगरसली शेक करें और फ्रिज में रख दें. जब भी आपका सैलेड बनाने का मन करे ले ले उसको, फिर शेक करे और सैलेड के ऊपर डाल दे. ये हो गया हमारा ड्रेसिंग तैयार. इसको रख देते हैं फिलहाल साइड में. एक बोल ले लेंगे एंड आई एड इन सम आइसबर्ग लेटिस. आप इसको असॉर्टेड लेटिस लीव से भी बना सकते हैं. आप रोमेन लेटिस डाले, रुकोला डाले, स्पिनिच डाले, चॉइस आपका है. इसमें हम डाल देंगे स्लाइस्ड टमेटोज, स्लाइस्ड अनियंस and the season's favorite corn. Again you can add in roasted corn, you can add in baked corn, but I prefer it steamed, so I'm adding that. That goes in here. Aur isme dal denge hamara chatpata sa ye dressing. So kar dete hain lightly drizzle and there we go. Isko ab kar lete hain toss. Let's quickly start tossing this. आइसबर्ग लेटेस आप कभी भी यूज करें तो मेक श्योर यू वॉश इट वेरी नाइसली और उसे आप लीव्स निकाल के ठंडे पानी में रख दे सो दैट द लीव्स बिकम नाइस एंड क्रिस्प. ये हो गया है हमारा सैलेड तैयार. इसको रख देते हैं एक प्लेट में. ये एक आपका बढ़िया सा सैलेड बन जाएगा फॉर अ गुड फैमिली डिनर. देयर यू गो. इसके ऊपर थोड़ा सा और ड्रेसिंग डाल देता हूं और इसी के साथ तैयार है हमारा सीजन स्पेशल कॉर्न सैलेड. इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. व्हाइल आई एम जंपिंग ऑन टू द सैलेड दिस वीडियो वॉज ब्रॉट टू यू बाय ग्रह शोभा एंड वन नेटवर्क.